भाई जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। डंकी की एडवांस बुकिंग के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सुबह जब हमने इसकी एडवांस बुकिंग की बात करी थी, तब अच्छी खासी हेल्दी इसकी एडवांस बुकिंग हो चुकी थी। नंबर ऑफ शोज में भी लगातार इजाफा हमको देखने के लिए मिल रहा है। डंकी के साथ में कई लोगों का कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि यार इसकी साउथ की बुकिंग कब निकल कर आएगी। देखिए, साउथ की बुकिंग से आप लोगों का मतलब होगा कि यार मैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम इन सब में आपको क्यों नहीं बता रहा हूं। कारण इसका सिंपल सा यही है, डंकी सिर्फ और सिर्फ हिंदी में रिलीज हो रही है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होए। अलावा कई लोगों ने मुझसे बोला था कि यार कर्नाटका की तुम कलेक्शन की बात कर रहे हो, केरला की तुम कलेक्शन की बात कर रहे हो, वहां पे तो ये मूवी रिलीज ही नहीं हो रही। ऐसा भी नहीं है, कर्नाटका केरला में ये मूवी रिलीज हो रही है, लेकिन वहां की नेटिव लैंग्वेज में रिलीज नहीं हो रही है, हिंदी में ही रिलीज हो रही है। तो इस चीज में कंफ्यूज ना होए, हिंदी मूवी जो है वो साउथ में भी रिलीज हो सकती है। हिंदी में जरूरी नहीं कि उसको साउथ लैंग्वेज में डब होना जरूरी है तभी वहां पर जाकर रिलीज होगी, क्योंकि कई लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार ये ऐसा हो रहा है, यार ये वैसा हो रहा है, यार ये क्यों हो रहा है, वो। हाँ, इन चीजों में इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो चीजें बहुत सिंपल है, फालतू में कॉम्प्लिकेटेड मत करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। अब बात करें अगर हम लोग कलेक्शन की, तो देखिए कलेक्शन जो है इन मूवीज का ऐसा लग रहा है कि मतलब हर 1 घंटे 2 घंटे में अपडेट किया जा रहा है। तो कई बार होता है कि आप लोग मेरा वीडियो लेट देखते हैं, तो इससे आपको लगता है कि यार मैं आपको कम कलेक्शन बता रहा हूँ, जबकि ऐसा है नहीं। मैं जिस पॉइंट पर अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, जैसे मैं अब ये वीडियो आपको बना के बता रहा हूँ, 6:15 के टाइम पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब 6:15 बजे जो मैं आपको वीडियो की रिपोर्ट बताऊंगा, ऑब्वियसली बात है अगर आप 7 साढ़े 7 तक खोलोगे, मुझको वीडियो अपलोड करते करते ही इवन 6:30 से 7:45 बज जाएगा, तो उसके बाद थोड़ा बहुत अपडेट होकर ही कलेक्शन आएगा। तो ये बात एक जरा समझिएगा। अब अगर हम लोग आगे बढ़े और समझने की कोशिश करें कि भैया कहाँ पर अब कैसी बुकिंग चल रही है, तो अगर हम सबसे पहले स्टेट वाइज बात करें, तो स्टेट वाइज अब यहां पर देखिए, अब गुजरात में कल शोज थे करीब 900 कुछ शोज थे, जो कि अब बढ़कर 1100 हो चुके हैं। 1100 शोज में से 14 शोज ऑलमोस्ट फुल हैं और 6 शोज जो हैं वो फिलिंग फास्ट में जा चुके हैं। लेकिन यहां पर आपको एक बहुत सरप्राइजिंग चीज आपको बताता हूं, हम लोग बात कर रहे हैं कहाँ की, अभी गुजरात की, लेकिन आप सोचिए वेस्ट बंगाल में सिर्फ 450 शोज हैं, बट यहाँ पर 67 शोज ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं और 65 शोज जो हैं वो फिलिंग फास्ट में भी आ रहे हैं, बड़ी बात है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 29 शोज हैं, 2 शोज इसके ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं, 1 फिलिंग फास्ट है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 873 शोज हैं, 21 ऑलमोस्ट फुल हैं, 71 फिलिंग फास्ट हैं। तेलंगाना में 395 शोज हैं, 49 फिलिंग फास्ट हैं, 47 फिलिंग फास्ट हैं, 49 ऑलमोस्ट फुल हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 450 शोज हैं, उत्तराखंड में 101 शोज हैं, महाराष्ट्र में बढ़िया शोज हो गए 1276, 1276 शोज हो गए, 47 इसके ऑलमोस्ट फुल है, 51 फिलिंग फास्ट में जा रहे हैं। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर 326 शोज में से 17 शोज जो हैं वो ऑलमोस्ट फुल हैं और 12 जो हैं वो फिलिंग फास्ट में जा रहे हैं। कर्नाटका की बात करें तो 691 शोज हैं यहाँ पर और 24 ऑलमोस्ट फुल हैं और 21 फिलिंग फास्ट हैं। गुजरात की बात करें तो 1162, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया। छत्तीसगढ़ में 150 शोज हैं, 4 ऑलमोस्ट फुल हैं, 2 फिलिंग फास्ट हैं। अगर हम लोग एक तरह से देखें तो गुजरात में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में और राजस्थान में, तेलंगाना में एंड देन वेस्ट बंगाल में और दिल्ली में, इन जगहों पर इस मूवी को बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है। पब्लिक बिल्कुल बढ़ चढ़ कर टिकट बुक कर रही है और गजब की यहाँ पर बुकिंग निकल कर आ रही है। अगर हम लोग स्टेट वाइज बात करें कहाँ पर कितनी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो इसमें सबसे अच्छा रिस्पॉन्स देखिए सबसे पहले हैदराबाद में, हैदराबाद में करीब करीब 49 शोज हैं जो कि ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं। इसके बाद कोलकाता में 51 शोज ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं। ये 2 जगहों से इसको सबसे बेहतरीन रिस्पॉन्स आ रहा है, जहां पर कि हम बोल सकते हैं कि नहीं यार यहाँ पर तबाह ही मचा रही है। इसके बाद अगर बात करें तो 31 शोज इसके मुंबई में ऑलमोस्ट फुल हैं, दिल्ली NCR में करीब 21 शोज इसके ऑलमोस्ट फुल हैं एंड बेंगलुरु में 23 शोज इसके ऑलमोस्ट फुल हैं। इसके अलावा बाकी जगहों पर ऑना पौना ही चल रहा है, कुछ ऐसा कोई विशेष निकल कर सामने नहीं आया जिसको कि हमको डिस्कस करना चाहिए। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक चीज़ है कि बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है इस मूवी के लिए, बट अब इसके थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स ऊपर नीचे हो सकता है। सलार का जो दूसरा ट्रेलर आया है वो काफ़ी अच्छा आया है, लेकिन हमारे भोपाल की अब हम बात कर लें, बताओ 58 शोज हैं, ना तो एक भी शो ऑलमोस्ट फुल है ना ही एक भी शो फिलिंग फास्ट है। मतलब देख रहे हो भोपालियों को कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा लग रहा है भाई क्या कर रहे हो यार, थोड़ी इज्जत रख लो। 58 शोज हैं इसके भी यहाँ पर। अब आते हैं कलेक्शन के ऊपर, तो कलेक्शन की बात करें तो अब डंकी के शोज जो हैं वो बढ़कर हो चुके हैं 7725, 8000 होने वाले हैं इसके शोज। एवरेज टिकट प्राइस की बात करें तो और थोड़ा सा नीचे आ गया है, 278 आ गया है। अब देखिए जब शोज बढ़ते हैं तो एवरेज टिकट प्राइस कम ही होता है, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग शोज के प्राइस रहते हैं। तो यहाँ भी कंफ्यूज मत होना आप कि यार कल तो तुम 325 बता रहे थे, आज तुम 350 बता रहे हो, ऐसा नहीं होता। नंबर ऑफ शोज बढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा एवरेज कम आता जाएगा। टिकट सोल्ड की बात करें तो 1,82,114 टिकट्स इसके बिक चुके हैं। ऑल इंडिया कलेक्शन की अगर हम बात करें अब, तो इसका कलेक्शन 5.5 करोड़ रुपए इंडिया में हो चुका है। ओवरसीज की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये हम सिर्फ बात कर रहे हैं डे वन कलेक्शन की, 5.51 करोड़ इसका कलेक्शन पहुंच चुका है। अब देखिए यहां पर फिर वही बात आ जाएगी, लोग कंफ्यूज होंगे कि यार ये कलेक्शन तुम्हारा यहां का था, ये कलेक्शन, तो इतना कंफ्यूज नहीं होना।
सिंपल सा समझ लीजिए बात, क्योंकि ये जो अभी हम कलेक्शन की बात कर रहे हैं, ये शाम को 6:15 के करीब हम ये कलेक्शन की बात कर रहे हैं। शाम को 6:15 बजे इंडिया का 5.5 करोड़ का कलेक्शन रिपोर्ट किया गया। ऑब्वियसली बात है, आप रात को 8 बजे 9 बजे जब मेरा वीडियो देखोगे और जाकर वेबसाइट्स पे चेक करोगे तो आपको थोड़ा बड़ा हुआ ही मिलेगा। तो इसको यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, इतना भावुक ना होइएगा, है ना। तो ये कलेक्शन इसका निकल कर सामने आया है। बाकी अगर हम बात करें तो मूवी को लेकर अभी भी काफ़ी अच्छा बज़ बना हुआ है। प्रमोशंस की बात करें तो धीरे धीरे वो भी शुरू होते जा रहे हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, राजकुमार हिरानी का जो फैक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर लगातार लोग यही बात कह रहे हैं कि डंकी ने शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी की जो जोड़ी है ये, क्योंकि एक तो पहली बार दिखाई दे रही है, प्लस राजकुमार हिरानी का जो एक डेडली स्टोरी टेलिंग की कला है उनकी, उसके अंदर शाहरुख खान को वो किस तरीके से प्रेजेंट करने वाले हैं पब्लिक के सामने, ये पब्लिक बिल्कुल देखने के लिए आतुर है इस समय। और इसीलिए आप देखेंगे कि डंकी को लेकर जो एक बड़ी क्यूरियोसिटी है ना, वो शाहरुख खान को लेकर तो है ही। कई लोग कह रहे हैं कि यार शाहरुख खान के ही लिए हमको ये मूवी देखने के लिए जाना है, बट एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो ये बोल रहा है कि नहीं, हमको राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन के कारण इस मूवी को देखने के लिए जाना है। क्योंकि लोग जानते हैं कि किस तरीके से एक मूवी को अप्रोच किया जाता है राजकुमार हिरानी के द्वारा। और सबसे बड़ी बात, जब कोई व्यक्ति इतने बड़े लंबे अंतराल के बाद में इतनी बड़ी अच्छी मूवी लेकर आता है तो वो बहुत बढ़िया रहता है। दूसरी बात, डंकी के साथ में सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट और सबसे बड़ा फैक्टर जा रहा है वो ये है कि इसका बजट काफ़ी कम है। शाहरुख खान ने मूवी के लिए कोई फीस नहीं ली है, वो प्रॉफिट में शेयर लेने वाले हैं। ऐसे मूवी का बजट जो है वो 80 करोड़ आ गया। मार्केटिंग वगैरह की कॉस्ट को बता मिला भी लें तो भी 120 करोड़ के आसपास इसका बजट जा रहा है। ऐसे में 120 करोड़ रुपए का बजट होने के कारण इस मूवी की जो मतलब हिट होने के चांसेस है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, सबसे बड़ी एक चीज़ जो और निकल कर आ रही है वो ये है कि इस मूवी को बहुत जल्दी शूट भी किया गया, मतलब इसका जो शूटिंग पीरियड का टाइम था वो काफ़ी कम था। आपने देखा होगा पठान की प्रमोशन के टाइम पर ही डंकी का अनाउंसमेंट किया गया था, और उसके बाद आप देखिए हम डंकी में हम लोग पठान देखने में व्यस्त रह गए, जवान देखने में व्यस्त रह गए, और यहाँ पर डंकी बन के तैयार भी हो गई। वरना आज की तारीख में तो साल भर तक कोई मूवी पोस्टपोन ही होती रहती है और उसके बाद जाकर वो रिलीज होती है। तो शाहरुख खान की यहाँ पर आप तारीफ करें या कुछ भी करें, या एक तरह का मैं कहूँगा भूख कह लें, जो पिछले 4-5 साल से उनकी मूवी रिलीज नहीं हो रही थी और जो एक भूख उनके अंदर आ गई थी कि नहीं भैया अब तो बढ़िया से बढ़िया सिनेमा पब्लिक के सामने बना के प्रवेश करना है, उसी का कहीं ना कहीं नतीजा है जो आज हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पब्लिक इसको काफ़ी पसंद कर रही है, लोग इसको काफ़ी पसंद कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस मूवी का निकलकर फिलहाल के लिए सामने आ रहा है। बाकी रिलीज के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि देखिए आप कंटेंट को कितना ही कुछ कह लें लेकिन आप कंटेंट को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर कंटेंट अच्छा है किसी मूवी का तो आप डेफिनेटली ये देखेंगे कि वो मूवी कैसी हो चलेगी। 12th Fail का एग्जाम्पल हमारे सामने इस समय बिल्कुल सटीक तौर पर रखा हुआ है। 12th Fail जिस तरीके से मतलब बहुत मिनिमम प्रमोशन के साथ में रिलीज करी गई थी, लेकिन क्योंकि उसकी कहानी लोगों को पसंद आई इसीलिए पब्लिक ने उसको बिल्कुल सिराखों पर बिठाया। 50 करोड़ से भी ज़्यादा का बिजनेस किया है उस मूवी ने, जबकि उसमें कोई ऐसा बड़ा किरदार नहीं था, बस सिंपल सी स्ट्रगल की कहानी थी स्टूडेंट्स की, जो कि आज की तारीख में हर कोई कर रहा है। क्या कहना है आप लोगों का डंकी को लेकर? आपको क्या लगता है कि क्या डंकी अपने कंटेंट के दम पर 1000 करोड़ के पार जा पाएगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।